फ्रेंड्स, वेलकम टू शबानाज कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी के पकौड़े। इसके लिए हमें चाहिए मैगी 75 ग्राम, आधा कप कटे हुए कैबेज, एक चौथाई कप कटी हुई शिमला मिर्च, एक चौथाई कप कटे हुए प्याज, धनिया पत्ता, आधा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, आधा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, दो हरी मिर्च, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक पिंच फूड कलर, एक अंडा, आधा कप बेसन, एक चौथाई कप कॉर्नफ्लोर, तेल और नमक। सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डालें। मैंने यहाँ 130 ml पानी यूज़ किया है 75 ग्राम मैगी में। अब मैगी को तोड़कर इसमें डाल दें। अब मैगी के पैक में जो मसाला है उसे भी डाल दें। देखिए पानी सूख गया है, अब आप इसे अलग रख दें। अब एक बाउल लें, उसमें कटी हुई बंद गोभी डालें, कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए प्याज, कटा हुआ धनिया पत्ता, बारीक कटे लहसुन, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, फूड कलर एक पिंच, नमक स्वाद अनुसार और एक अंडा डाल दें और अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें हम बेसन डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डाल दें, और अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें पका हुआ मैगी डाल दें और इसे भी अच्छी तरह मिला लें। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे और मैगी के छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे। अब हम पकौड़ों को पलट लेंगे। जब पकौड़े थोड़े लाल हो जाएं, लाइट ब्राउन ही रखना है। देखिए पकौड़े बनकर तैयार हैं।